हाय गाइस, मैं हूं दीपिका कक्कड़ रिफाइन एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और आज हम लोग स्पेशली आपको ये बोलने आए हैं कि प्लीज़ 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 आपके पास सिर्फ 12 बजे तक का टाइम है, तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, सोनी लिव ऐप खोलिए, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो उसे अपडेट कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो उसे डाउनलोड कीजिए, और जल्दी से शोएब के लिए ढेर सारे वोट कीजिए। अभी जस्ट हमने उनकी परफॉर्मेंस देखना खत्म किया है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी होगी, देखी ना अच्छी लगी ना, सो प्लीज़ उनके लिए ढेर सारे वोट कीजिए। रुहान बोलो, प्लीज रुहान के पापा के लिए खूब सारे वोट कीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। देखिए मैंने जो है अपना वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं शोएब इब्राहिम इस समय झलक दिखला जा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और रिहर्सल के लिए भी जाते रहते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं इसीलिए, और उनको 30 out of 30 भी मिले थे इस हफ्ते, इसलिए दीपिका इब्राहिम सबसे अपील कर रही हैं कि वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और रुहान ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो अपने पापा के लिए वोट अपील की और पूरी इब्राहिम फैमिली, जैसे कि उनकी मम्मी, उनके पापा और उनकी नाजा खाला, बल्कि यहाँ तक कि उनके जो खालू आए हुए हैं उन्होंने भी वोट के लिए अपील किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें वोट देंगे जिससे हम हमारे चाहने वाले, उनको जो चाहने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शोएब इब्राहिम को वोट करें और वो झलक दिखला जा जीत जाएं। हम भी तो यही चाहते हैं फ्रेंड कि शोएब इब्राहिम जीते, क्योंकि हम लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम दिल से चाहते हैं कि शोएब इब्राहिम ही विनर, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बेटे हैं, एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और अब तो वो बहुत अच्छे पिता भी बन चुके हैं। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभाते हैं और अपनी फैमिली को बराबर टाइम देते हैं। जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उनको खुश करने में लगे रहते हैं। आपको कैसे लगते हैं शोएब इब्राहिम और आप क्या समझते हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।